आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत। आज की मीठी बात जुड़ी है एक अच्छी पहल से। नन्हे पौधों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील किशन चंद जैन एक अच्छी मुहिम चला रही हैं। किशन चंद को जब भी जहां कहीं पीपल, नीम, बरगद, गुलर और पाकड़ आदि का पौधा दिख जाता है तो वो उसे अपने घर ले आते हैं। फिर वो बेशक किसी नाले नाले के किनारे लगा हो या फिर सड़क किनारे, नन्हे पौधों को नाली के किनारे से उठाने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती है। उल्टा घर आकर उन्हें तसल्ली मिलती है कि आज एक उस नन्हे पौधे की जान बच गई जो बड़े होकर घनी छाया देगा। किशन चंद जैन ने किसान तक को बताया कि वो आगरा के रहने वाले हैं। जब भी आगरा जाते हैं तो रास्ते में चारों तरफ छोटे पौधे पर नजर डालते हुए चलते हैं। जहां भी बड़े और घने पेड़ का पौधा दिखाई देता है तो उसे उठाकर घर ले आते हैं। असल में वो पौधा इतना छोटा होता है कि उसे उस हालत में किसी भी पार्क या सड़क किनारे नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ऐसे पौधों को घर लाकर गमले में लगा देते हैं। उसके बाद एक साल तक या फिर जैसी भी उस पौधे की लंबाई के हिसाब से देखभाल करते हैं। जब वो पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि उसे किसी पार्क में लगाया जा सके तो फिर शहर के अलग अलग पार्क में लगा देते हैं। किशन चंद ने बताया कि बीते एक साल में उन्होंने नाले नाली और सड़क किनारे से अलग अलग किस्म के बहुत सारे पौधे इकट्ठा किए थे। अगर इन पौधों को वहां से नहीं उठाया जाता तो ये सूख जाते या फिर किन्हीं और वजह से मर जाते। साफ सफाई के दौरान भी ऐसे पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो इसी तरह के पौधों को 2 जुलाई की सुबह शहर के बड़े पालीवाल पार्क में लगाया गया। नीम, पीपल, बरगद, जामुन, गुलर के करीब 100 पौधे पार्क में लगाए गए। इस काम में पार्क में वॉक पर आने वाले और शहर के रंगकर्मी अनिल जैन और उमांकर मिश्रा के साथ उनकी टीम ने भी बहुत सहयोग दिया है। तो ऐसी अच्छी खबरों के लिए आप सुनते रहिए हमारा खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।